दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th देखिए अजमेर में अभी तक कुछ चिन्हित इलाकों से ही लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे लेकिन अब जो कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं वो जिले के कई दूसरे इलाकों से और अजमेर के शहर के अगर हम बात करें तो दूसरे इलाकों से वो सामने आने लगते हैं। जिले में पिछले 48 घंटों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और अजमेर के बाद किशनगढ़ और ब्यावर शहर से भी कोरोना के नए मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। अजमेर में बुधवार सुबह एक नया कोरोना पॉजिटिव का मरीज सामने आया है जो कि लोहाखान टेम्पो स्टैंड के पास रहता था और खास बात यह है कि ये जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव का ये जिले में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं देता है। इस मरीज को अजमेर में कोरोना से हुई पहली मौत जिनका नाम विनोद था उनसे संक्रमित होने की फिलहाल केवल और केवल एक संभावना जताई जा रही है। इस पे स्पष्ट तौर पर ये नहीं है ये नहीं कहा जा सकता कि इनको विनोद से ही संक्रमण फैला है। इसकी अभी जांच होना बाकी है कि आखिरकार जो नर्सिंग कर्मी है उनमें कोरोना संक्रमण आखिरकार आया कहाँ से है क्योंकि लगातार आईसीयू का जो विभाग है वहां पर पिछले 5-6 दिन से लगातार ये अपनी कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और उसी के मद्देनजर विभाग को प्राथमिक तौर पर ये लगता है कि जो विनोद थे जो कोरोना पॉजिटिव थे जिनकी डेथ हो गई थी उनसे इनको कहीं ना कहीं संक्रमण फैला है और नर्सिंग स्टाफ में कोरोना पहुंचने के बाद से चिकित्सा विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है क्योंकि ये मरीज लगातार कोरोना योद्धा के तौर पर जेल में अपनी सेवाएं दे रहा था। लोहाखान अपने कमरे पर ये अभी कल या परसों की बात है जब ये अपने कपड़े लेने के लिए घर आए थे और उसके बाद वापस जेल में अस्पताल चले गए थे और अब जबकि इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की आई है तो उसके बाद से चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम इलाके में जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैंपलिंग भी यहाँ पर मैक्सिमम ली जाएगी जो बहुत नजदीक के जो घर है यहाँ पर उन लोगों की सैंपलिंग भी ली जाएगी। हालांकि चिकित्सा विभाग ने जब आसपास के लोगों में स्क्रीनिंग अभी जो शुरुआती तौर पर शुरू कर दी है उसके अंदर किसी में भी किसी प्रकार का कोई कोरोना का जो लक्षण है वो नहीं है। यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आए हैं इनके अंदर भी किसी प्रकार का कोरोना का कोई लक्षण नहीं आया है इनके अंदर भी लेकिन इनको हल्का जुकाम था और उसी के चलते खुद जो नर्सिंग कर्मी है इन्होंने आगे होकर अपना कोरोना का जांच करवाई थी और उस जांच के अंदर इनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ गई है। वही अगर बात हम ब्यावर शहर की करें तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव कोरोना के मरीज हैं और ये तमाम मरीज जेल अस्पताल के अंदर इस वक्त भर्ती हैं। इसमें एक प्रसूता भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर अजमेर की अगर स्थिति हम देखें तो दरगाह बाजार का जो क्षेत्र है यहाँ मोती मोहल्ले से लगातार पिछले माह से कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं उसमें अगर बीते 24 घंटे की हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें जो जिले कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी की जाती है उस पर अगर हम गौर करें तो यहाँ अभी इसी क्षेत्र से 7 नए पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं था तो इसी के चलते सभी ने राहत की सांस ली थी लेकिन रात 9 बजे की जो मंगलवार की सूची थी उसके अंदर एक साथ 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ गए थे जिसमें एक ब्यावर के कसाबन मोहल्ले का है जबकि 3 जो कोरोना के मरीज हैं वो अजमेर से हैं इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 2 मोची मोहल्ला व 1 लाखनकोटी क्षेत्र से है। रात को यहीं से 4 पॉजिटिव जो मरीज हैं कोरोना के वो मिल गए थे। वहीं जेल अस्पताल से मंगलवार रात जो रिपोर्ट आई थी उसमें ब्यावर का जो युवक पॉजिटिव आया है उसकी भी पहली रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी लेकिन जब दूसरी बार उसका सैंपल लिया गया तो वो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आ गई है। युवक को प्रशासन ने पहले ही मिल रोड स्थित जो लाज हवेली ब्यावर में जगह है वहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया गया है वहां पर भर्ती करवा दिया था और पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसको ब्यावर से अजमेर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी हैं वो कसाबान मोहल्ला के क्षेत्र में पहुंचे भी थे इलाके का उन्होंने दौरा भी किया देखा और चिकित्सा विभाग की जो टीम है उन्होंने स्क्रीनिंग का काम जो है वो वहां पर भी अपना तेज कर दिया है। लोहाखान के जो टेम्पो स्टैंड के पास का जो इलाका है आसपास का यहाँ पर जो पुलिस है उसने उन्होंने अपना अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है। मेडिकल की जो टीम है वो लगातार अब उन्होंने स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ा दी है और सबसे खास बात है कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पिछली वीसी थी उस वीसी के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के प्रशासन को ये निर्देश दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग ना की जाए लोगों की अधिकतम सैंपलिंग की जाए अधिकतम उनके नमूने लिए जाए और उनकी जाँच की जाए जिससे कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है
और कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से सामने आ जाए, उनको तुरंत प्रभाव से ट्रेस कर लिया जाए जिससे कि कोरोना का जो वायरस है वो किसी और में ना पहुंचे। यहाँ पर हम अगर ये जो नर्सिंग कोरोना योद्धा है, नर्सिंग कर्मी, इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने आगे होकर अपना कोरोना का जांच करवाई है। तो जिस तरीके से इनके अंदर कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के लक्षण, कोरोना कोरोना का वायरस पहुंचा है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ठीक इसी तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि मैक्सिमम सैंपलिंग हो जिससे कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है वो सामने आ जाए। इसीलिए अब जो फोकस है चिकित्सा विभाग का वो इस लोहा खान का जो इलाका है यहाँ पर ये रहते थे, इस इलाके के आसपास के जो लोग हैं, स्क्रीनिंग के साथ साथ मैक्सिमम उन लोगों की सैंपलिंग ली जाएगी। और अब जब सैंपलिंग के बाद जो संख्या होगी उसमें जो बहुत सारे आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब नमूने कलेक्ट किए जाएंगे तब जांच होगी, तब ये सामने आएगा कि आप वाकई जो नर्सिंग कर्मी है इनसे इनके इलाके में किसी और को कोरोना का संक्रमण फैला है या नहीं फैला है। यहाँ पे मैं सेटेलाइट हॉस्पिटल अजमेर से डॉक्टर अनिल माथुर, दो हमारे यहाँ डिलीवरी की दो लेडीज जो है वो पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव आई है। 5 तारीख को आई थी, भर्ती हुई थी, उसके बाद वो यहाँ रहीं, ऊपर वार्ड में भी भर्ती करा, वो पूरे वार्ड में कॉरिडोर में भी घूमी है, टॉयलेट्स वगैरह भी यूज़ करे उन्होंने, तो उनके टेस्ट कराए 5 तारीख को जो पॉजिटिव आया है, तो इसलिए अभी सारा स्टाफ बाहर आ गया, अब सैनिटाइजेशन होगा, अंदर सैनिटाइज होगा, सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर बैठेंगे। महिलाओं को भिजवा दिया? हाँ, जो पेशेंट थे उनको सबको घर भिजवा दिया। अच्छा, और जो पॉजिटिव महिलाएं थी उनको जनाना रेफर कर दिया। सर, अभी ये सैनिटाइज होने के बाद में क्या देखा जाएगा मरीजों को? मुश्किल लग रहा है ऐसे हालात में, तो मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुश्किल लग रहा है।